Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ what I fed my 8-month old. So let's go. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपके 8 माह के बच्चे की डाइट में जो आप सॉलिड फूड्स ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है और उसकी ज़्यादातर ग़िज़ाई ज़रूरत जो है वो दूध से ही पूरी होगी, जो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क वो पहले पी रहा था. ठीक है, तो आपने सॉलिड फूड्स देने के साथ साथ अपने बच्चे को दूध भी ऑफ़र करते रहना है. आप अपने 8 माह के बच्चे को अब फिंगर फूड्स भी ऑफ़र कर सकते हैं. बहुत से लोग ये 6 मंथ से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको ख़ुद से खाना नहीं पसंद होता या उनको आता नहीं है, लेकिन वो विद टाइम जो है ये स्किल सीख लेते हैं. तो आपका 8 माह का बच्चा क्योंकि अब चीज़ें उठा सकता है, ग्रिप कर सकता है, तो अब आप उसको फिंगर फूड्स ऑफ़र कर सकते हैं. फिंगर फूड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, आप फ्रेंच फ्राइज अपने बच्चे को दे सकते हैं, स्टीम्ड कैरेट्स दे सकते हैं, मटर उसको उबाल के दे सकते हैं, आप उसको एप्पल स्टीम करके थोड़ा सॉफ्ट करके उसको एप्पल ऑफ़र कर सकते हैं, वो ख़ुद उठा के फिर इन चीज़ों को खाएगा. तो ये एक स्किल है, विद टाइम वो सीख जाएगा. अब आप अपने 8 माह के बच्चे की डाइट में मसाले भी ऐड कर सकते हैं. हाँ, आप उसको मिर्चें और नमक ना दें. मिर्चें क्योंकि वो ज़ाहिर है टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और नमक आपने इसलिए नहीं देना बिकॉज़ उसकी किडनीज अभी इतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं हुई हुई हैं. तो आप उसको एटलीस्ट 1 साल तक नमक और चीनी ना दें. चीनी इसलिए बिकॉज़ उसके दांत ख़राब हो सकते हैं. शहद आप ना दें. मसालों में आप उसको दे सकते हैं हल्दी, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा ज़ीरा आप उसके खाने में मिला सकते हैं, दालचीनी मिला सकते हैं, धनिया पाउडर थोड़ा सा मिला सकते हैं. जो भी हमारे घर के खानों में मसाले इस्तेमाल होते हैं आप वो डाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ही कम क्वांटिटी में. एक चुटकी आपने मिला दिया सिर्फ फ्लेवर ऐड करने के लिए, ताकि बच्चा जो है वो थोड़ा हमारे देसी खानों के फ्लेवर से जो है वो थोड़ा सा फेमिलियर हो, ताकि उसको आगे जाके जो है वो मुश्किल ना हो. बेबी को आपने कितना खाना देना है अब इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो 8 माह के बच्चे को आप 1/4 कप या 1/2 कप जो है वो खाना ऑफ़र कर सकते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या जो भी आप अपने बच्चे को खाना दे रहे हैं. लेकिन ऑब्वियसली एवरी बेबी इज़ डिफरेंट. कोई बच्चा ज़्यादा खाना खाएगा, कोई बच्चा कम खाना खाएगा. हमने जो है वो बस उनको फोर्स फीड नहीं करना, उनको खाने से चिढ़ नहीं दिलानी है, बिकॉज़ आप जितना उनको फोर्स करेंगे वो उतना खाने से दूर भागेंगे. तो आप जो है वो उनको ऑफ़र करें, वो खा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाएं तो भी परेशानी की बात नहीं है. आपने उनको दूध ऑफ़र करना है बिकॉज़ अगेन उनकी जो ज़्यादातर ग़िज़ाई ज़रूरत है वो दूध से पूरी होगी. तो फलों में आप अपने बच्चे को दे सकते हैं सेब, नाशपाती, और ये दोनों क्योंकि थोड़े सख्त फल हैं इनको आप हल्का सा स्टीम करके थोड़ा सॉफ्ट करके इनको आप अपने बच्चे को ऑफ़र करें. बेशक आपके 8 माह के बच्चे के दांत आ गए हों, लेकिन उसको हो सकता है कि निगलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, तो आप इन फलों को स्टीम कर लें, सॉफ्ट करके फिर अपने बच्चे को ऑफ़र करें. इसके अलावा आप अपने बच्चे को आम खिला सकते हैं. आम का सीज़न है, मीठा होता है, बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो आप अपने बच्चे को आम भी खिला सकते हैं, पपीता खिला सकते हैं. बाकी फलों में फिर आप अपने बच्चे को दे सकते हैं आड़ू, आलूचा, खुबानी, जामुन और कीवी दे सकते हैं, ग्रेप्स दे सकते हैं. ग्रेप्स देने का तरीका लेकिन यह है कि आप बच्चे को अंगूर काट के दें, क्योंकि वो बच्चा जो है वो पूरा निगल लेगा तो चोकिंग हैज़र्ड है, उसके गले में फंसने का ख़तरा है. तो अंगूर जो है वो आप बीच से उनको कट करके दें. इसके अलावा आप अपने बच्चे को केला दे सकते हैं, चीकू दे सकते हैं, जो सॉफ्ट वाली डेट्स होती हैं वो दे सकते हैं. लेकिन कोशिश करें कि जो थोड़े से सख्त फल हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, वो थोड़ा सा सख्त होता है, गर्मा थोड़ा सख्त होता है, मीठा होता है, लेकिन और जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं उनको तो अच्छा लगता है ठंडी और थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें, तो आप जो हैं वो उनको दें, चटाएँ ज़रूर, बेशक वो खाएं ना पूरा, लेकिन टेस्ट डेवलप करने के लिए उनको हर चीज़ चटाएं ज़रूर. और कोशिश करें कि उनसे करीब बैठें, कि खुदा न खास्ता अगर उनके गले में कुछ चीज़ फंसती है तो आप उनसे करीब हों और फिर उनकी हेल्प कर सकें, उनको असिस्ट कर सकें. अब बात कर लेते हैं सब्जियों की. सब्जियों में आप अपने बच्चे को दे सकते हैं कैरेट्स, मटर, आलू, शक्करकंदी और चुकंदर, ब्रोकली और कद्दू, लौकी, टिंडे और फूल गोभी और बैगन. बैगन भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं. सो बेसिकली जो भी आप खुद खा रहे हैं वो आप अपने बच्चे को भी साथ साथ खिला सकते हैं, और आपके घर में जो भी सब्ज़ी बन रही है उसमें से आप बच्चे के लिए थोड़ा सा अलग कर लें, उसके बाद जो है वो सारे घर वालों के लिए मिर्च और मसाले ऐड करें. बच्चे के खाने में कम मसाले डालें और उसके लिए अलग थोड़ा सा उसको रख लें, और जब आप लोग खाएँ तो बच्चे को भी वही खिलाएँ. अब बात कर लेते हैं ग्रेन्स और सीरियल्स की.
तो ग्रेन्स और सीरियल्स में आप अपने बच्चे को ऑफर कर सकते हैं चावल, गंदम, जौ, ओट्स, सूजी, सागुदाना, और अब आप अपने 8 माह के बच्चे को फूल मखाना जैसी चीज़ें भी ऑफर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दालों की। तो आप अपने 8 माह के बच्चे को पीली मूंग दाल, लाल मसूर की दाल, हरी मूंग की दाल, सफ़ेद और काले चने और माश की दाल ऑफर कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप अपने बच्चे को घी और मक्खन दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप उसका खाना प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो हल्की सी अगर बटर ऐड कर देंगे तो बच्चा बहुत शौक से खाता है। तो घी और बटर आप अपने 8 माह के बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स में अब उसको दही भी दे सकते हैं और चीज़, कॉटेज चीज़ आप अपने बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। अब आप अपने बच्चे को अंडा भी दे सकते हैं। मैंने पर्सनली 8 महीने से अपने बच्चे को अंडा देना शुरू किया था। उसको हार्ड बॉयल्ड एग आप दें जिसकी जर्दी जो है वो बहुत अच्छे से पकी हुई हो, या आप जो है उसके लिए ऑमलेट बना सकते हैं, या फुल फ्राइड एग आप उसको ऑफर कर सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन अगर मैं फिर भी कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मेरे साथ और जो देखने वाले पेरेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम सबकी हेल्प हो, बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। बच्चे को खाने में क्या खिलाएं, उसके लिए क्या बनाएं, ये बहुत एक मुश्किल टास्क है। तो अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शंस हैं, कोई डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ हैं, कोई भी आपके पास आइडियाज़ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई शैल बी बैक सून।